और श्री राम राधा मंदिर के बगल में एक मंदिर है, तो वहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ से जुड़ी हुई बातें हम अपने महाराज जी से पूछते हैं। और महाराज जी का सवाल जी, आपका पहले अपना नाम बता दें। नाम रविशंकर तिवारी। अच्छा, और यहाँ के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। जी जी जी, यहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप सिंह। अच्छा, रुद्र प्रताप सिंह के लड़के हुए चंद्रशेखर। अच्छा अच्छा, और कुंवर गणेशी भाई राजा मधुकर साय। अच्छा अच्छा, राजा मधुकर साय कृष्ण के भक्त थे और रानी कुंवर गणेशी भाई राम जी के भक्त थे। अच्छा, राजा मधुकर साय चाहते थे कि अपन राम जी की, तुम राम जी की भक्ति करते हैं, हम कृष्ण भक्ति करते हैं, अपन एक जगह चलेंगे तो एक जगह दर्शन करेंगे। उनने कही नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया कि तुम सच्ची राम की भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। अच्छा। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया, तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को मैं अयोध्या से लेके आऊँगा। अच्छा। अगर राम जी को नहीं ले आ पाऊँगा तो हम सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी, तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए खूनी, तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए, उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई वैसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा, दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे। देखिए आप वो खिड़की देखें, अपने मेहर से देखना चाहते थे कि भगवान को, राम जी को यहाँ बैठा लेंगे। अच्छा। वो दर्शन मेहर से करेंगे। अच्छा। लेकिन भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने मेहर से दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान तो तीन लोग के अंतरा में। भगवान ने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया, जहाँ राजा राम बैठे हुए हैं वो राजा की रसोई थी। अच्छा, वो रसोई। हाँ। अच्छा। जब रसोई में विराजमान कर दिया, कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएंगे हम वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा, दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आए तो इसी कारण वहाँ पर रानी महल, जांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल। अच्छा। चार महल हैं। चार महल हैं यहाँ पे। हाँ, वहाँ सामने जो किले में चार महल। अच्छा। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन घाट छत्रियाँ याददाश्त के लिए, ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदोल जी का चबूतरा, दो सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं, राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है, ये 16वीं शताब्दी की बात है। इसीलिए भगवान एक राजा के रूप में यहाँ सलामी दी जाती है, अन्य किसी राजा को यहाँ सलामी नहीं दी जाती है, ये यहाँ का इतिहास है, ये 16वीं शताब्दी की बात है। ये जो महाराज ये मंदिर है, ये चतुर्भुज, ये हाँ चतुर्भुज बोला जाता है, ये भगवान राम जी के लिए बनवाया था, लेकिन राम जी इसमें नहीं आए, इसीलिए वो विराजमान वहाँ हो गए। तो यहाँ पर राजा ने फिर विष्णु लक्ष्मी का विराजमान किया, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। हाँ।
तो ये श्री राम के लिए बनवाया? जी 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 जी। अच्छा, तो अभी यहाँ पे राम वो हाँ जी जी जब वो बैठ गए फिर नहीं उठे। अच्छा, तो इसलिए भगवान अयोध्या से राम ओरछा में राजा राम, तो इसलिए राम किसी राजा को सलामी नहीं लगती है, सलामी राजा राम खुद ही जाती है। मतलब जब वो श्री राम जी यहाँ पे आए थे, हाँ हाँ, उनकी राज चलता है यहाँ पे वही राजा। राजा तो वो तीन लोग के ही है, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई राजा को सलामी, कोई अधिकारी वगैरह, कोई सीएम वगैरह, कोई या एसपी, हाँ। यानी कोई वगैरह कलेक्टर वगैरह भी आए, अच्छा, तो किसी को सलामी नहीं लगेगी। जो संतरी वहाँ खड़ा है तो किसी को सलामी नहीं दे पाएगा। अच्छा, अगर कोई सलामी लेता भी है तो उसकी बद्दी निकल जाएगी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष इतिहास है ना। अच्छा, और भगवान का तो ये तीन यहाँ पर ऐसा प्रूफ है, मिलता है कि कई लोग महात्मा 11 बजे के बाद जब यहाँ आए तो कोई व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं सोता है। तो जब वहाँ से आए तो आपस में बात होने लगी कि यहाँ तो मंदिर बंद हो चुका है, अब कौन भोजन यहाँ व्यवस्था बनेगी। तो राम जी सरकार ने पुजारी का भेष रखे और दुकान पे पहुँचे, कहने भैया ये हमारी अंगूठी है, भोजन इन लोगों को भोजन कराइए। तो उनने जो कुछ था उनने भोजन करवाया। सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उसमें भगवान के लिए अंगूठी नहीं थी, या अंगूठी नहीं थी तो भगवान वहाँ, पुजारी ने कहा कि भगवान की कोई अंगूठी नहीं है। तो वहाँ देखा तो जिस दुकान वाले को मालूम पड़ा तो दुकान वाला लेके पहुँच गया, उन्हें महाराज जी आप ही ने तो मुझे दी थी ये अंगूठी, भगवान को इतने साधुओं को भोजन कराया। उनने कि नहीं मैंने नहीं आया है, तो तब उनने अंगूठी दी और भगवान, उनने कहा कि भाई भगवान हमारे दरवाजे पे पहुँचे, हमने उनको नमन तक नहीं किया। तो ये यहाँ का साक्षात प्रमाण है, सच्चे मानने वाले को आज भी आनंद है। जय श्री राम राजा सरकार की जय।